कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो अब क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने कल क्या देख लिया था, आर्गन प्लेन देख लिया था। आर्गन प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो भी देख लिया था। ठीक है, अब बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। x क्या है, x है रियल पार्ट, और y क्या है, सिर्फ और सिर्फ y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट किसका, z का, और रियल पार्ट किसका, z का। जब अपन लोग इसको प्लॉट करते हैं आर्गन प्लेन पे, किस पे, आर्गन प्लेन पे जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे, तो रियल पार्ट को x एक्सिस पे प्लॉट करा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पे प्लॉट किया जाता है। ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। तो x कॉमा y सपोज दैट यहां पर कहीं पर लाइ कर रहा होगा, एक्स कॉमा वाई, इसको प्लॉट कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को हमने पी माना है, क्या माना है, इस पॉइंट को पी माना है। फिर उसके बाद हमने ओरिजिन को ले लिया, ओरिजिन को ओ से डिनोट किया, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो कॉमा जीरो। ओरिजिन और इसको हमने आपस में इसको मीट कर दिया और एक लाइन बना दी। ठीक है, लाइन बनाने के बाद सपोज दैट इसका डिस्टेंस क्या है, ओपी की जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, इसको हमने आर मान लिया, क्या मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, तो अब ये बताओ इसकी, ये पॉइंट आपका क्यू हो गया, इसको एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो पी क्यू की लेंथ क्या होगी, वाई एक्सिस जो यहां तक है ये, और ये लेंथ सेम होगी, ये लेंथ क्या है वाई, तो ये भी वाई हो गया। या इसको हम जेड इज इक्वल टू एक्स वाई लिया, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको हम ले ले रहे हैं ए और बी ले ले रहे हैं। ठीक है, इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया, यानी कि ए प्लस आयोटा बी ले लिया और ये ए कॉमा बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। ठीक, चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, और ये वाला एंगल ये क्या है, इसको सपोज दैट ये थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द लाइन, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर पॉइंट पी। तो ये OP और X एक्सिस के बीच को हमने, बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, अब इस थीटा को अपन लोग क्या करेंगे, कॉम्प्यूट करेंगे, कॉम्प्यूट का मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आर्ग्यूमेंट, क्या कहलाएगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z, या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी थीटा। इस आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम होता है एम्पलीट्यूड, क्या होता है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक, और ये जो आर है, ये आर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं मॉडुलस, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। अच्छा, ये R मॉडुलस ऑफ Z कैसे आया, ये हम निकालने जा रहे हैं।
ये हमने वाई एक्सिस बनाई, ये हमने एक्स एक्सिस बनाई, ये हमने पॉइंट लिया पी, इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, या फिर जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी को हमने लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये जो डिस्टेंस होगा, ये आपका हमने 90 डिग्री बनाया था, इसको हमने क्यू माना था, ये आपका ओ था ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, माइनस एक्स माइनस वाई, समझ में आ गया, ठीक। ये क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ओ पी क्यू क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, हाइपोटेन्यूस का है, हाइपोटेन्यूस ये है, हाइपोटेन्यूस बोले तो ओपी, हाइपोटेन्यूस को क्या ले लिया, ओपी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ए, यानी कि ए स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इस ओपी की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गई है। और ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता क्या है, ये मॉडुलस होता है किसका, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, सपोज दैट हमने ये z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर का होल का अंडर रूट क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। और इसी को रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल r से, ये क्या हो गया, r, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये थीटा, थीटा को कंप्यूट करेंगे, यानी कि एंगल को कंप्यूट करेंगे। एंगल को कैसे कंप्यूट करेंगे, एक बार फिर से हम इसको डायग्राम बनाते हैं, आर्गन प्लेन बना रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाने जा रहे हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट लाइन ज्वाइन कर दी, और ये जो पॉइंट हमको मिला है, ये पॉइंट पी मिला है, ए कॉमा बी मिला है, हम लोगों के पास ये आर आ गया। बार बार हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख रहे, आर लिख दिया तो उसका मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ जेड। आर का मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहां कहीं भी आर देखो तो उसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड। फिर हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद अब ये क्या है, ये बी है, ये ए हो गया, ये आपका पॉइंट क्यू है, ये आपका पॉइंट ओ है। ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही, आपका थीटा है। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, ये हम लोग 9 से देख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपका क्या है, साइन कॉस टैन कॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, सेक, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर थीटा, जब भी हम लोग थीटा निकालेंगे, थीटा को किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एक बार थीटा को निकालेंगे बी और आर के रिस्पेक्ट में, और एक बार थीटा को निकालेंगे ए और आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा को निकालेंगे बी और आर के रिस्पेक्ट में, और एक बार थीटा को निकालेंगे ए और आर के रिस्पेक्ट में। देख, एक बार निकालेंगे ए एंड आर के रिस्पेक्ट में, और एक बार निकालेंगे बी एंड आर के रिस्पेक्ट में। जब हम लोग ए एंड आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस और इस थीटा के लिए ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेसिकली हमको हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में रिलेशन चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन हम लोग क्या मिलता है, कॉस का मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू द बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो कॉस थीटा हमारा बेस क्या है, ए अपॉन आर। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया, किसके बीच में, ए और आर के बीच में। फिर दूसरी बार क्या निकालेंगे, बी और आर के बीच में निकालेंगे, ठीक है। बी और आर कैसा, बी ये है और आर ये है, आर फिर वही से हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा इस थीटा के लिए।
यानी कि हम लोगों को हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में निकालना। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन देता है, या तो साइन या तो कॉस है। हम लोग क्या ले रहे हैं, साइन ले रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी अपॉन आर। तो हमारे पास एक ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो इससे इस cos theta is equal to a upon r से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई r cos theta, a की वैल्यू क्या आ गई r cos theta, और इससे b की वैल्यू क्या आ गई r sin theta, ठीक है। ये कैसे कंप्यूट करी गई है, a की वैल्यू और b की वैल्यू कैसे कंप्यूट करी गई, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं। आर कैसे कंप्यूट किया गया है वो भी देख लिया, क्योंकि एक ये 90 डिग्री बनना था, ये राइट एंगल बनना था, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अपन के पास क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई। और ये कुछ नहीं होता है बल्कि ये क्या होता है, ये मॉड होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या होता है, मॉड, और उसको डिनोट कर दिया स्मॉल आर से, ठीक है। अच्छा, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई r sin theta और a की वैल्यू क्या आ गई r cos theta, ठीक है। अभी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिख रहे थे, यानी कि रियल एंड इमेजिनरी के फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। यही आपका क्या है, ये जनरल फैशन है। अब लिखेंगे पोलर फॉर्म में, ठीक है। पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी जो हम लोगों ने a की वैल्यू क्या निकाली है, a की वैल्यू r cos थीटा निकाली है, तो a is equals to r cos थीटा, और b की वैल्यू क्या निकाली है, r sin थीटा। सिंपली इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा प्लस प्लस r sin थीटा, और पहले से क्या था iota, iota को पहले ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा r cos theta प्लस iota r sin theta, और इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे r कॉमन, तो क्या हो जाएगा cos theta प्लस iota sin theta, ये आपका sin है, ठीक है, ये आपका z हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। थीटा को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं, थीटा को डिनोट करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि ए आर जी ऑफ जेड, और क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट करते हैं ए एम पी ऑफ जेड, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन में लिख सकते लिख के आ सकता है, या फिर एम्पलीट्यूड लिख के आ सकता है, कि आप एम्पलीट्यूड निकालो या फिर आप आर्ग्यूमेंट निकालो, कैसे निकालना है। अभी तो हम लोगों ने ये निकालना देखा, यानी कि पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालना देखा। R की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकालते हैं R की वैल्यू। पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं, A की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, R cos थीटा पुट कर देंगे, और B की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, R sin थीटा। अब बचता क्या है, अब बचता है थीटा। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कैसे निकालेंगे। Z हम पहले सपोज कर ले रहे हैं, Z क्या है, A प्लस आयोटा बी, ये आपका जेड है। हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, या फिर हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, ये तीनों चीजें क्या है, सेम है, तीनों चीजें एक ही है, थीटा। तो हम लोगों ने ए की वैल्यू क्या देखी थी, ए इज इक्वल्स टू क्या देखा था, आर कॉस थीटा, ए इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, और अपन लोगों ने बी क्या देखा था, आर साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या बचा, a अपॉन b इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्या कहलाता है, cot थीटा, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a। और थीटा कैसे निकालेंगे,
tan इनवर्स बी अपॉन ए, ऐसे निकालेंगे थीटा। समझ में आ गया tan इनवर्स कैसे हुआ? जब tan उधर तरफ जाता है दूसरे साइड इक्वल टू के दूसरे साइड जब जाता है तो tan थीटा से क्या चेंज हो जाता है? tan इनवर्स हो जाता है। ठीक है, ये tan इनवर्स निकालते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालते हैं। ठीक है, थीटा समझ में आ गया कैसे निकालना है? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों के पास z इज इक्वल्स टू जैसे कि 1 प्लस आयोटा दिया है और पूछा गया है कि इसका आर्ग्यूमेंट निकालो या फिर इसका एम्पलीट्यूड निकालो, यानी कि हम लोग क्या निकालना है, थीटा ही तो निकालना। फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स बी अपॉन ए। बी क्या है इसमें? बी वन है और ए की वैल्यू भी वन है, यानी कि tan इनवर्स वन। tan इनवर्स वन का मतलब नहीं, tan इनवर्स का मतलब होता है कि वन की वैल्यू tan इनवर्स वन का मतलब होता है कि tan की कौन सी डिग्री पे, tan की कौन सी डिग्री पे tan थीटा वन आता है, थीटा की कौन सी वैल्यू पे tan थीटा वन आता है वो निकालना है। वन कब आता है? 45। तो tan इनवर्स क्या होता है? 45 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इसको, tan इनवर्स का मतलब क्या होता है? tan इनवर्स का मतलब होता है ये जो आपका अंदर लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, थीटा की वैल्यू निकालना है और इस तरीके से निकालना है कि tan थीटा क्या है, ये जो अंदर लिखा है इज इक्वल टू 1 है। समझ आ गया किसको बोलते हैं tan इनवर्स? ठीक, अगर यहां पर 1 की जगह अंडर रूट 3 लिखा होता तो tan इनवर्स अंडर रूट 3 क्या आता? 60। बिल्कुल सही, 60। अगर यहां पर 1 की जगह tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 लिखा होता तो क्या आता है? 30। ठीक, अगर यहां पर tan इनवर्स 1 की जगह 0 लिखा होता तो क्या आता? 0 आता। समझ में आ गया tan इनवर्स का कैसे फंक्शन चलता है? इसी तरीके से sin इनवर्स का भी फंक्शन, इसी तरीके से cos इनवर्स का फंक्शन, इसी तरीके से छयो रेशियो का इनवर्स का फंक्शन होता है। ठीक है, अब क्या, अब आप ट्रेन छूट गई, लेकिन वो चली गई, बताए दे रहे मतलब वो भर गया था ना पेज, नहीं देखो पेज भर गया था, कहाँ से बता ये आप उधर लग दीजिए, पेज भर गया था कैसे बताते हैं? tan इनवर्स तो पाई बाय 4 भी तो होती है वैल्यू में। देखो अब देखो पाई बाय 4 क्या होता है? पाई बाय 4 डिग्री में होता है या रेडियन में होता है? रेडियन, रेडियन में पाई बाय 4 होता है, होती है ना। पाई बाय 4 को क्या बोलते हैं डिग्री में? 45 बोलते हैं, होती है ना पाई बाय। पहले tan इनवर्स का मतलब समझो, सर हमने पढ़ा है कि पाई बाय 4 होती है, इतना मतलब है हमें पढ़ने आया था नहीं ऐसा। भैया रिकॉर्ड